प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के पेपर में जो सबके आते हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उनको कट मार्कर से लिखते हुए दिखाऊंगा और उनकी पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स भी सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ऊपर हेडिंग लिखकर दिखाता हूँ, नहम क्लास के अहम सबके। दोस्तों, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। हेडिंग देनी है इस तरीके से, नंबर 1। ये देने के बाद एक लाइन छोड़कर नीचे आपने लिखना जवाब। पर मैं सिर्फ आपने एक ही लिखना, लेकिन मैं जवाब में और भी लिख देता हूं ताकि आप जो अच्छा लगे उस जवाब को आप लिख लेना। अलिफ से अटल बनता है, अमर बनता है, अजीत। अजीत के बाद बनता है अछूता। अलिफ से अहमद भी बनता है। ये हमारा हो गया पहला साहब का। दूसरा लिखना हमने जो इम्पोर्टेंट है, एक लाइन छोड़ देनी आपने पेपर में। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है आपने, एक एक लाइन छोड़कर। नंबर 2 ऐसे लिखा। अब आपने लिखना है ना, ये ब्लैक मार्कर से लिखना आपने। ना से बनता है नादान। नालायक। नाफरमान। यानी सांप के वो होते हैं जिनके पहले हरफ से आप कोई लफ्ज बना सकें। जैसे अलिफ था, अलिफ से अटल बन गया, अमर, अजीत, अछूता, अहमद। फिर ना है, ना से क्या बनेगा, क्योंकि सांप के वो होते हैं जो पहले आते हैं और लाहौक के वो होते हैं जो बाद में आते हैं। अब जैसे ना से नादान, नालायक, नाफरमान, नाराज। लेकिन पेपर में सिर्फ आपने एक ही लिखना है। हेडिंग थी ना और एक ही जवाब दिया नादान। लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए करा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन छोड़ के फिर आपने तीसरा लिखना है। पेपर में सिर्फ आएंगे 5, तो मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ। आपने इसी तरह अपनी प्रेजेंटेशन करनी है पेपर के अंदर, कि इस तरीके से आपने अपने साप के लिखने। तरह आपने लिखना बिन, तीसरा है बिन, एक लाइन छोड़कर नीचे आपने लिखना जवाब। बिन में लिखना आपने बिन सुला के बाद बिन बुलाए और बिन जती। पर 4 साबके पर आपने लिखना है इस तरीके से, आपने जो आप करते जाए उसका नंबर देना पेपर में लाजमी। 4 पर है खुश, ये आपका साबका है। इस तरीके से आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन की, खुश। नीचे आपने जवाब लिखना है एक लाइन छोड़कर। बनेगा खुशबू। खुशबू के बाद लिखेंगे हम खुशखलक। तीसरा बनेगा इससे खुश हो। नंबर 5 पर खुद है, इसको आपने लिखना खुदगर्ज, खुद फरेब, खुद आरा। और आरा कुछ लोग हमजा भी डाल देते हैं, ये गलत है, आपने अलिफ डालना, हमजा नहीं डालना। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपने अपने नहम क्लास के अहम साबके जो हैं वो आएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जहाँ लाहक का लिखा हुआ है यहाँ पर साबका भी आ सकता है और लाहक का भी। ये जो क्वेश्चन है, जिस तरह लाहक का है मंद, दार, ख्वा, गैर, शनास, तो इसी तरीके से आपके लाहक के आएंगे। फिर जब अगर लाहक के पेपर में आ जाएं तो आपने पहले हेडिंग देनी है उसकी। जैसे अलिफ आ गया, इसका जवाब आपने सिर्फ एक ही देना अटल। एक्स्ट्रा इसलिए लिखें कि अगर आपको कोई भी लफ्ज़ अच्छा लगता है तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपके पेपर में साबके आएंगे, तो आपने पहले हेडिंग देनी है इस तरीके से, नंबर डालकर फिर उसका जवाब लिखना है। जैसे अलिफ है अटल, फिर दूसरा आ गया ना, ना का नादान बन जाएगा। तीसरा है बिन, बिन का बिन सुला। 4 का है खुश। नंबर 5 पर है खुद, इसका जवाब लिखेंगे आप खुदगर्ज़। तो इस तरीके से आपने